दोस्तों, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ पर नज़र रखते हैं, तो एक ऐसी बात हमें पता चली थी उत्तराखंड के प्रणव सिंह चैंपियन की, जो कि एमएलए होकर भी कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूं दोस्तों, उत्तराखंड में एक मिस्टर प्रणव सिंह चैंपियन हैं जो कि एमएलए रह चुके हैं भाजपा के, और इनको पार्टी ने 6 साल के निष्कासित कर दिया। दरअसल क्या किया इन्होंने, आपको बताता हूं। इनके पास है ना बंदूक बहुत सारी है, ठीक है, गनों का प्रदर्शन किया इन्होंने। एक म्यूजिक वीडियो इनके सामने आई थी जिसमें वो सारे हथियार लेकर उसको शो ऑफ कर रहे थे बेसिकली, और डांस कर रहे थे, ठीक है। और डेफिनेटली ये पार्टी के अधिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके खिलाफ थी, तो इसकी वजह से उनको निष्कासित कर दिया गया। अब दोस्तों, प्रणव सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि मेरी इन्हीं कंट्रोवर्सी के चक्कर में बिग बॉस के मेकर्स ने उनको फोन किया है। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि सीजन 13 का आगाज अब सितंबर के महीने में होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसे में प्रणव को कॉल जाता है कलर्स की टीम की तरफ से, यानी कि एंटीमॉल श्राइन की तरफ से, और बिग बॉस के लिए ऑफर किया जाता है। हालांकि प्रणव ने इस बात को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है अभी तक कि बिग बॉस जो है वो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन यस, प्रणव ने इस बात का खुलासा किया है कि बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से उनको कॉल आया है। वेल दोस्तों, बिग बॉस का तो घर ही कंट्रोवर्सी का घर है, और वहाँ पर कंट्रोवर्शियल फिगर्स तो ज़्यादा ही आते हैं। लास्ट ईयर के भी अगर आपको याद होंगे, उससे पहले के ईयर के भी याद होंगे, तो बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं। अब आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप सच में सीजन 13 के लिए एक्साइटेड हैं? सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। राहुल भोज तो इसी तरीके की चटपटी बातें आपको बताता रहेगा।